नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। ट्रैफिक पुलिस लगातार लोगों को कर रही है चालान और साथ ही साथ कर रही है अवेयर। दो व्हीलर पर सवार दोनों को ही पहनना पड़ेगा हेलमेट और इसी के साथ गाड़ी में सवार सभी व्यक्तियों को पहननी पड़ेगी सीट बेल्ट। इस पर हम लोगों को भी सहयोग करना जरूरी एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन को लेकर, क्योंकि पहले ही COVID-19 की महामारी में कई जाने जा चुकी हैं और अब किसी दुर्घटना के कारण ना जाए कोई भी कीमती जाने। पूरे देश के साथ आज जम्मू कश्मीर में भी तमदेह का त्यौहार मनाया गया, जिसमें जगह जगह शिविर लगाकर लोगों को पानी पिलाया गया। बुजुर्गों का कहना है कि एक गिलास पानी पिलाना आज के दिन एक यज्ञ के बराबर होता है। इसी पर लोगों ने इस त्यौहार को बड़ी मात्रा में मनाया। राष्ट्रीय बजरंग दल जम्मू कश्मीर द्वारा आज जम्मू मेडिकल कॉलेज के बाहर डोगरा त्यौहार तमदेह के शुभ अवसर पर पानी के शिविर और लंगर लगाया। सगोत्रा बिलादरी ने प्रोटेस्ट किया और की प्रेस कॉन्फ्रेंस मंदिर की जगह को लेकर, इनक्रोचमेंट को लेकर। ये मंदिर सुजवा के एरिया में है। उन्होंने कहा कि जो भी मंदिर की जगह इनक्रोच कर रहा है उस पर हो कार्रवाई। देखिए जी, मैं प्रेसिडेंट सरारा सभा बहुफोर्ड, मैं बहादुर लाल प्रेसिडेंट सरारा सभा बहुफोर्ड, मेरी आज एडमिनिस्ट्रेशन अगे अपील है कि साड़ी ये दाती जेदा के इत्थे स्थान बने दा, इस बैनर पर हजारां साल पुरानी एक चुआदी दे विच इक बड़ी वड्डी खाड़ी ही। उस खड दे विच इस एक मंदिर बने दा हा, जेदी अस हर कौम कने अपनी कुल देवती या कुल देवता या अपने शहीदें दी लेइया चलने आ। जेड़े लोग शहीद होई जांदे ने ओ एक देवी दा रूप, परमात्मा दा रूप लेइया आउंदे ने। साड़ा भी एक दाती साड़ी जेड़ी है सरारा बरादरी दी, उत्थे हजारां साल पुरानी, उत्थे इत्थे मर्जी कुदा के विषय करन असें कोई इतराज नहीं। लेकिन यह कुसै पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है दाती दा स्थान आली, यह दाती दा स्थान है सबने दा, सारे कने बिलोंग करती है दाती, सारे दा भला करती है जेड़े भी लोग उत्थे आउंदे ने। लेकिन मेरी उंदा अगे भी अपील है। जम्मू के प्रेस क्लब में SRTC द्वारा सरकार नियतियों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। छीन के लेंगे हमारी मांगे लेके छोड़ेंगे, छीन के लेंगे हमारी मांगे लेके छोड़ेंगे, छीन के लेंगे हमारी मांगे लेके रहेंगे हमारी मांगे। हमारी जो बैलेंस पेमेंट है जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस कोला इफेक्ट फ्रॉम 1999 एंड सिक्स पे कमीशन एरियर इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006 एंड पेंशन बेनिफिट कोले के ऑलरेडी बिल बनकर सिविल सेक्रेटरियट में पड़े हुए, जिनका अमाउंट है 16,76,59,497। हमारी सरकार से ये मांग है हमारी जो बैलेंस पेमेंट है वो विद इन डेट तक क्लियर की जाए। और सरकार और साथ में आप ये भी कहना चाहते हैं, जब से ये यूटी सरकार बनी है, जब ये यूनियन टेरिटरी बनी थी, हमें बहुत उम्मीद जागी थी कि जो पिछली सरकारों ने नहीं हमें कुछ दिया वो यूटी सरकार में मिलेगा। लेकिन जब से ये यूटी सरकार आ रही है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई बात करने वाला है। अब के बार बार इनको सेक्रेटरियट में मिले भी हम, आश्वासन पे आश्वासन, आज की डेट में भी हमें आश्वासन मिल रहे हैं जो के झूठे। हमारी सरकार से ये मांग है, हमारी पेमेंट है विद इन डेज तक क्लियर की जाए।
अगर भाई ऐसा नहीं होता तो हमारा ये जो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट ने पीएचई वर्कर्स के लिए लगाया टीकाकरण कैंप। ये कैंप डोगरा चौक के पास पीएचई ऑफिस के अंदर लगाया गया, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया और सरकार द्वारा किसी भी तरह की गाइडलाइन की पालना नहीं की गई। आइए इस पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सर बैक्सी डैम मैंने देखा, इसमें गलती डिपार्टमेंट की भी बोलते हैं, डिपार्टमेंट की नहीं, हर जगह गलती डिपार्टमेंट नहीं होती है। अब लोगों को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। अब लोग साथ साथ होंगे तो क्या करें, डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो तो मना कर रहे हैं करने के लिए। क्या आपको लगता नहीं डिपार्टमेंट ने यहाँ पे पुलिसकर्मी को रखना चाहिए था? सर वो लोग नहीं मानते हैं यहाँ पे, अंदर देखो सर, अंदर जाके मैं मानता हूँ रखना चाहिए। कितना बड़ा है, कितने आदमी उनसे पैसे लेते हैं, वो करते हैं, नहीं नहीं वो हक नहीं बनता डिपार्टमेंट सर, वो तो रखना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो तो रखना चाहिए डिपार्टमेंट को, पर उसमें सर पब्लिक को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं है कि नहीं करना है, देखो ना उसमें गलती, देखो सेफ्टी किसकी है, पब्लिक की है, पब्लिक ये रहेगी तो उनकी सेफ्टी है। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर देखिए लोगों को खुद इसके ऊपर खुद थोड़ा जानकार होना चाहिए कि जैसा माहौल चल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है हमारे लिए, बट वो लोग उसका वो नहीं कर रहे हैं, उनके ध्यान नहीं रख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। यही कहते हैं कि जिस हिसाब का ये माहौल कोविड 19 शुरू हुआ है, जो ये सेकेंड स्टेज इसकी जारी है, तो हम लोगों को सोशल डिस्टेंस ज़रूरी है। जैसे मोदी जी ने बोला है 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, ये 2 गज की ज़रूरी है, ये होनी चाहिए। नहीं जिस तरीके से ये मेडिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ पे ना तो किसी पुलिस वाले की ड्यूटी लगवाई है ना कुछ, क्या आप हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये प्रशासन को देखना चाहिए। जैसे कि इन्होंने वैक्सीनेशन का इधर सेंटर खोला हुआ है, तो सिक्योरिटी वाले भी होने चाहिए इधर, ताकि लोगों को थोड़ा मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में थोड़ा समझाएं उनको। ऑलरेडी पता होना चाहिए, सारे सीनियर हैं, कोई जूनियर तो इसमें है नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए सर। ये मेरे हिसाब से तो ये जो स्लॉट इन्होंने आज दिए हैं, ये काफ़ी दिन पहले दे देना चाहिए था, क्योंकि ये बच्चे जो बाहर से पढ़ने के लिए आए हैं या और किसी पर्पज़ से जम्मू में आए हुए हैं, वो बेचारे कॉलेज में वापस नहीं जा सकते या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा सकते। तो ये चलो आज इन्होंने अच्छा काम किया है, हम इसके लिए LG साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज कुछ जम्मू वालों के लिए कुछ सुना और ये वैक्सीनेशन का कैंप आज इन्होंने यहाँ पे लगवाया। क्योंकि ये जब भी इनका स्लॉट खोलने जाओ तो ये वो शो ही नहीं करता है मोबाइल में कि वो कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया, उसको देखते हुए क्या कहेंगे आप? सर इनके पास इनको थोड़ा सा बाहर में लगाना चाहिए था, कुछ टेंट शेंट लगा लेना चाहिए था, उसकी वजह से इन्होंने कमरे में काफ़ी सारा, मैंने भी देखा है अंदर जाके, पर मेरा बेटा गया हुआ है लगवाने के लिए, तो इन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा। इसके लिए मैं इनको ये कहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था, मैं इनको बाहर कहीं टेंट लगा लेने चाहिए था या कुछ कर लेना था, काफ़ी जगह इनके पास खुली जगह इधर, उसके वजह से इनको हो सकता था सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए था। इसके तो मैं भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ। आपको नहीं लगता कि इससे कोरोना बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग में ध्यान रखना तो इनका फ़र्ज बनता है भैया, तो मेरे हिसाब से तो ये इनको हर चीज़ का जो उन्होंने गवर्नमेंट ने SOP दी हुई है उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, इससे तो कोरोना बढ़ेगा कम थोड़ी होगा। आम पब्लिक की जिम्मेवारी नहीं है कि उसका भी वो भी अपनी सोशल डिस्टेंस? सर पब्लिक तो ठीक है अपनी जगह, वो तो ध्यान रखेगी, जब उनके पास जगह ही कम है अंदर तो वो खड़े कहाँ होंगे, बाहर धूप है अंदर छाया है, हर आदमी छाया में जाना पसंद करता है निस्बत धूप में रहने से। फार्मा मिनिस्टर जम्मू कश्मीर सीनियर लीडर योगेश सानी और उनकी टीम ने चीफ इंजीनियर डिपार्टमेंट के साथ की एक मीटिंग जम्मू सिटी में आए दिन आ रही पानी की परेशानी को लेकर। जम्मू में पानी की समस्या को लेकर हमारे जो एक डेलीगेशन जो था हमारे सीनियर काउंसिल के सभी साथी, जिसमें हमारे एक्स कॉर्पोरेटर उत्तम सिंह जी, प्रदेश सेक्रेटरी संजीव कुमार जी, डॉक्टर रमाकांत कुलिया जी और ऊपर सिटी से हमारे वार्ड प्रेसिडेंट राम मल्होत्रा जी, अपने चंद्रशेखर जी और अतुल शर्मा जी, सभी साथी आज एक मीटिंग फिक्स की थी चीफ इंजीनियर PHC के साथ, जिसमें हमारे CT के SC और साथ में AWCT धोत्री जी और साथ में
अपना टेक्निकल अफसर टीम इंजीनियर वो भी बैठे थे, जिन्होंने डिस्कस किया कि जो वीडियस प्रॉब्लम पीएचसी के रिलेटेड कि उनको शॉर्ट आउट किया जाए कि लोगों को गर्मी के मौसम में पानी का जो 10-10 दिन से कहीं इलाकों में पानी नहीं आ रहा, कहीं 6-6 दिन से पानी नहीं आ रहा, कि वो पानी की व्यवस्था ठीक की जाए और एक कोऑर्डिनेशन हो बिटवीन पीडीडी और पीएचसी के बीच में, और साथ में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के साथ भी जहाँ कहीं मोटर्स जल जाती है तो उसको जल्द से जल्द रिपेयर करके पानी व्यवस्था जो है ठीक है उस सिलसिले में। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से इंश्योर्स किया हमें पीएचसी डिपार्टमेंट में लोगों की समस्या जल्द से जल्द जो पानी की जो प्रॉब्लम कहीं इलाके में भी आ रही है उसको शॉर्ट आउट करके, खास करके कंडी बेल्ट में भी जो प्रॉब्लम आ रही है, और हमने डिस्कस किया भाई सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हुआ था पूंछ के अंदर, खास करके ये जो कंडी बेल्ट है हमारा सांबा और गढ़वाल इलाके के अंदर, और यही समस्या जो बाकी इलाकों के अंदर, और जो एक्सपैंड इलाका जो हो रहा है खास करके ये बंद तालाब की तरफ कि वहाँ भी जो नई कॉलोनियाँ बस रही हैं वहाँ भी। आज इस तमदेह त्योहार के मौके पर जरूरतमंद लोगों को बांटा गया राशन पक्का तालाब बहुफाट जम्मू में। जिस तरह की आप सब भलीभांति परिचित हो कि गत एक वर्ष से कोरोना की महामारी से हमारा प्यारा देश जूझ रहा है, तो इस कोरोना महामारी में कोई भूखा ना सोए तो हमारी पार्टी का कार्यक्रम सेवा ही संगठन के तहत हमने बहुफोर्ट में पिछले कोई 10 दिन से ये ड्राई राशन वितरण कर रहे हैं। आज हम तमदेह के शुभ अवसर पर ये आज ही से हमने कोई 80 लोगों को यह ड्राइव राशन वितरण किया है, तो मैं सबको यही एक अपील करती हूँ कि जैसे कि बहुत सारे संगठन हैं सेवा के संगठन आगे आके जो हेल्प कर रहे हैं वो और भी आगे आके सब लोगों की हेल्प करें कि इस कोरोना की महामारी से जैसे कि हमारा देश जूझ रहा है और लोग जो अभी भी हॉस्पिटल में गए हुए हैं वो सारे जल्द। जानीपुर वार्ड नंबर 36 के लोगों ने किया प्रदर्शन पानी के खिलाफ, आइए कुछ झलकियों के साथ ये रिपोर्ट। जल की इतनी दिक्कत आ रही है हमारे वार्ड में हद से ज़्यादा, पिछले साल डेपुटेशन मिला था गवर्नर साहब को एडवाइज़र साहब को, के के शर्मा ने एस्टिमेट बनाया, ऐसा भी इसका सैंक्शन हुआ, लेकिन ये लोग काम नहीं शुरू करा रहे। पुरानी पाइपें पड़ी आज से 40 साल पहले 45 साल पहले की, वो पाइपें पड़ी हुई है, पाइपें सड़ी हुई है, पानी की दिक्कत नहीं है। अगर ये पाइपें चेंज कर दें पानी इतना होगा, बिना मोटर पानी छत के ऊपर जाएगा, लेकिन ये लोग वो चीज़ नहीं कर रहे। इनको चाहिए जहाँ से पैसा मिलेगा ये वो काम करते हैं। कौन सी वार्ड? वार्ड 36 36 जानीपुर लक्कड़ मंडी ड्रीमलैंड इंदिरा कॉलोनी हैदरपुरा भवानी नगर वार्ड 36। लेकिन है तो सारे पास प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ मेरे वार्ड की प्रॉब्लम जो पैसा भी सेंक्शन हुआ, इसका पैसा भी सेंक्शन हुआ 8,70,00,000 रुपया, अगर हुआ है तो उसका काम स्टार्ट करें, उसको डिले क्यों कर रहे हैं? सर 3 साल पहले फ्लड आया था, उस टाइम पर टिपकाम साहब इधर आए थे मौके पर, डीसी साहब आए थे, उन्होंने बोला था पाइपें सारी चेंज करो, लेकिन उस टाइम पर भी पैसा आया ये पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। टिपकाम साहब ने उस टाइम पर बोला था कितनी पाइपें हैं सारी चेंज करो, लीकेज है जो बंद करो, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया। तब क्या हम दौड़ रहे हैं, आज करते हैं स्टार्ट कल करते हैं, मैं परसों भी गया था इनके पास 1-2 दिन में टेंडर, लेकिन लारे बजी। हम सचिन को कहने जाते हैं हमारा मसला हल होना चाहिए, हमारा मसला हल हो जाएगा, हमें कोई चाह थोड़ी इतनी धूम में रोड में बैठने का। इन लोगों को जो हमारी बहनें आई है भाई आए हैं, त्यौहार है इतना बड़ा, हर साल ये त्यौहार आता है, हम शबीले लगाते हैं बाहर, लोगों को पानी पिलाते हैं, बाहर से टैंकर रहते हैं, कितनी बार टैंकर लगाए 20-25 दिन हो गया, आज आके मोहल्ले के जो
मतलब लोग होते हैं वो जाके अपने मोहल्ले का जो बाढ़ में प्रेसिडेंट होगा या कोई अपना नवीनता चुना होगा उसी के पास जाएंगे ना, वो कहाँ जाए। इनको फ़ोन करो, जो इनकी पैपियाँ भी लगी है जहाँ इनके बाल हैं वो देखो, उधर जाके लीकेज देखना, सुबह उधर देखना लीकेज, सुबह सारा पानी वहाँ वेस्ट हो जाता, लोगों के घरों में कहाँ से आएगा। ये आते नहीं, आज मैंने फ़ोन किया सुबह, बोलते हमारी ड्यूटी जहाँ तक है वहाँ पानी नहीं है, पीछे फ़ोन करो। हम पीछे कहाँ जाए, अभी जही साहब आए थे, मतलब किसी को भी फोन करो, अगर यहाँ जो लाइन में है ना उनको पूछो, बोलते हमारे साथ बात नहीं करो, पीछे करो, पीछे फोन करो, बोलते पीछे तक पानी नहीं है। आज पानी खत्म हो गया जम्मू वाले के लिए, पानी नहीं है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं इनसे, हमारा मसला हल होना चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें कोई मतलब इधर बैठने का कोई बोर्ड ही पड़ा होगा कि हम आगे रोड ब्लॉक करेंगे, लोगों को परेशान करें, हम खुद परेशान है, कहाँ जाएं। आज जेडीए द्वारा नगरोटा पंचायत जगती में हाईवे पर बनी मालिकाना बिल्डिंग को सील करने के नोटिस पर जगती के लोग इकट्ठा हुए और लोगों का कहना है हमारी मालिकाना जमीन है, जेडीए इन्हें भी सील क्यों कर रही है। मौके पर जगती की सरपंच अंबा जमवाल, सोमनाथ खजूरिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रामेश्वर शर्मा, नगरोटा संघर्ष समिति, इन सब ने वीसी जेडीए व गवर्नर से की अपील इस मामले को देखा जाए ताकि लोग परेशान ना हो। इधर सरपंच जगती से हूँ आभा जम्वाल। यहाँ पे हमारे कुछ आज इंटीमेशन मिली थी कि जेडीए की ड्राइव है डिमोलिश की, तो यहाँ कुछ हमारे इधर काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर बने हैं, ओनरशिप लैंड पे बने हुए हैं, तो सुना हमने फिर ये इधर बिल्डिंग है एक बनी हुई, हमारे यहाँ के लोकल हैं जिन्होंने बनाई है ये बिल्डिंग, तो ये 2018 की बनी हुई है, ये उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह इनके पास सारा अपना है और ओनरशिप के लैंड के भी पेपर्स हैं, तो इसलिए इन्होंने फिर मुझे कॉल की, तो हम लोग इधर आए, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं कि भाई अगर हम ऑनरशिप लैंड पे कुछ बनाते हैं तो उसमें जेडीए का क्या है कि वो डिमोलिश कैसे कर सकता है हमारे यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर बना होगा। एक बात, कुछ लोगों ने लोन लेके बड़ी मुश्किल से यहाँ हाईवे बना है, तो अपना सोर्स ऑफ इनकम अर्निंग का सोर्स बनाया है, दुकानें बनाई है काफ़ी पुरानी, तो अभी नया सिस्टम जैसे स्टार्ट हुआ है कोई रेनोवेट कर रहा है उसको नोटिस दे रहा है जेडीए कि यहाँ पे आके तो वो करो, नक्शे बनाओ, उन्होंने कब चार चार पाँच छः छः सालों से बनाई हुई हैं, हाईवे जैसे निकला था छोटी छोटी दुकानें बनाई हैं, अब हाईवे जैसे रन हो रहा है यहाँ से, तो वो कुछ IIT IIM की वजह से कुछ रेनोवेट कर रहे हैं कि अच्छा थोड़ा इसकी लुक बन जाए बैठने के लिए, लेकिन रोज़ ये जेडीए आती है बोगा टीम, कभी इनको वो नोटिस दे जाती है कि यहाँ पे आके आपका ये डिमोलिश करेंगे, इसका नक्शा बनाओ, वो कोई 10 सालों से बनाया है, कोई 8 सालों से बना हुआ, उसको रेनोवेट करते हैं तो ये आ जाते हैं, पता नहीं किस कैपेसिटी में आते हैं, हमें नहीं पता, मैं सरपंच हूँ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमें भी कि ऑनरशिप लैंड में। हाँ, दूसरी बात ये, मैं यहाँ भी मीडिया आया है तो ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे काफ़ी लैंड जो है जेडीए को हैंड ओवर की है रेवेन्यू ने जगती पंचायत में, मैं अपनी पंचायत की बात करूँगी, तो काफ़ी जो लैंड दी हुई है वहाँ तो हमने कई जगह का हमें भी पता है कि यहाँ जो है इलीगल स्ट्रक्चर बने हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगी, मैं पंचायत एज ए कस्टोडियन ऑफ पंचायत, हमें पता है काफ़ी जगह इंक्रोचमेंट हुई है जो जेडीए लैंड है, वहाँ तो जेडीए कुछ करता नहीं है, अपनी लैंड तो इनसे संभाली नहीं जा रही है, और दूसरे जो ऑनरशिप लैंड पे लोगों ने बनाए इतनी मुश्किल से, कोई लोन लेके बना रहा है, किसी से उधार उठा के बना रहे हैं मुश्किल से कि हमारा अर्निंग का सोर्स बन जाए, सारे तो बेकार लोग हैं, अनएम्प्लॉयड हैं यहाँ पे, कोई ड्राइवर है, कोई कंडक्टर है, कोई कुछ सब्जी की दुकान खोलता है, कोई तो जेडी आके एक मिनट में इनका जो बोका टीम नहीं इन्होंने बनाई है वो आके परेशान करती है इनको। श्री अशोक गुप्ता, शिवसेना जम्मू कश्मीर द्वारा आज 25 दिन पर हलवा, चाय और मीठे कुलचे के साथ लंगर का समापन किया गया। लोगों की सेवा ही हिंदू धर्म की सबसे बड़ी सीख है, बक्शीनगर मेडिकल कॉलेज के बाहर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। चमच
Murder or suicide? Lady allegedly killed by in-law says family from Gud Jahangir, Bandipura during stage protest at Press Colony, Srinagar, demanding justice. हमारे गांव का नाम है नबाराबाद। इसकी वजह है कि हमारे माँ को जहर दिया गया है। इससे पहले भी कई दफा मेरी माँ को जहर दिया गया है। मेरे बाप ने कई वाकया इससे पहले भी हुए। आज इसने हमें मेरे दो भाई है, एक भाई है और मेरी बहन है, इनको डाल लिया गया और मम्मी ने उसको उनको बोला भी था घर आ जा। इन्होंने मेरे बाप ने बोला एक दो दिन रुक जाओ, बैठो, यहाँ क्या करना है। मैं फिर जब हम घर पे थे 6 तारीख को हम जमीन पे थे अच्छी तरह, मेरी माँ भी खुश थी, मैं सब खुश थे। तो मम्मा ने अच्छी तरह खाना वाना लाया वहाँ जमीन पे। जब हम वहाँ से आए शाम को चाय वाय मैंने अच्छी, मम्मा अच्छी तरह ठीक थी, कोई बीमारी बीमारी कुछ नहीं थी। जब हम जब 9:30 बज गए मैं तो वो अपने बाप से भी यानी कि मेरे दादा से भी बात अच्छी तरह कर रही थी। तो जब मैं 9:30 मैंने उसको बोला मैं पापा की पुफी के घर जाने वाला हूँ, मैं वहीं सोऊंगा। मैं जब वहाँ गया फिर मुझे सुबह पापा बुलाने आ रहा है कि माँ मर चुकी है। जब मैं वहाँ गया तो उसकी डेथ थी। मैंने तुरंत अपने दादा को कॉल की कि मम्मा की डेथ हो चुकी है। क्यों कहा कि ये डेथ हो चुकी है, जिंदा है, बल्कि वो डेथ थी, वो ड्रामा कर रहे हैं। फिर थे फिर जब हमने उसको SMH हॉस्पिटल लिया तो वहाँ पे आपको क्या लगता है क्या वजह है आपको मौत की? पहले भी कई दफा इसने वजह यही हो सकती है कि इसको कुछ और शादी कर मतलब कि दूसरी शादी करनी होगी। ये हमेशा हमेशा रोज रोज मेरी माँ को लड़ाई करता था, रोज रोज मारता। वहाँ पे डाली मगर उतनी तेज सी कार्रवाई नहीं हो रही है जितनी चाहिए। वो रोज रोज लड़ाई करता था मेरी माँ से। इससे पहले भी एक केस चल रहा था बारामूला में वुमेन्स सेल में, उससे वहाँ पे भी केस दर्ज है। हमें इंसाफ चाहिए। ऐसे जो साहब से अपील करता हूँ इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए, हमें इंसाफ चाहिए। आपका कहना है आपकी माँ रात भर ही मरी हुई थी या सुबह उसकी डेथ हुई? जेके न्यूज ब्रेक के MD राकेश तारा SSP जम्मू चंदन कोहली से मिले और की बात किस तरह से न्यू गाइडलाइन है SOP और ट्रैफिक को लेकर। इसमें आपका खैर मकदम है। आज हम जेके न्यूज ब्रेक की टीम लेके आई है खरवन सर पर, जहां पर लोग बहुत बहुत तंग आ चुके हैं क्योंकि ये इस खरवन सर की जो हालत है, इस हालत ने लोगों को कितना परेशान किया, आइए जानते हैं यहाँ के लोकल से। अस्सलाम वालेकुम क्या नाम? मोहम्मद मकबूल नजर। नजर साहब इस खरवन सर उस बोझने की चीज दबा उसमें 800 कनाल जमीन तो मगर ग्राउंड जीरो तूह मौजूद कहीं दलील क्या गई? मैं फिक्र मैं यानी कि फिक्र यीत नजर ना मे बस नसब ग बचान अत पे वनस नजर त्रा नजर गहन वनो यह खो आम लुको गवर्नमेंटस गुजारिश कर अगर यह लुको खो तुम क्या कड़ा बिल्कुल तुम क्या तुम 800 कनाल बराबर करा यह कर तो बराबर बेहद बेक चीज मसल इस ड्रेन त्रोक ये अम ड्रेनस कर तीत खराब बच्च बनान अस नबर त्र बच्चे वसान ये खुरन सनस स्रान कर तूत उस आब साफ शुमारा कह पे अत ड्रेन गई तत पे गई तीत इन्फेक्शन फहले
तुम करो नजर बतख कत बतख अगर लगातार दोन दोन चौन दोन रोजन अत पांचवी दोह नस्प खत्म ग तीज इन्फेक्शन गई बहुत गुजारिश कर आब ना यह खरवन सरस मे ये शेख सरस मे ते वान डिवाटिंग पंप करा कैंस कल डिवाटिंग करा पे वान सू आब पे इरीगेशन कर जमीन सू आब दानस लागान तम सीज बेमार फहलान दान तुम बनान कहें गुजारिश कर गवर्नमेंटस खासकर डिस्ट्रिक बांडी पोरा इस कमिश्नर डिविजनल कमिश्नर तमिस गुजारिश कर यूत तूत कर जल्द यह ड्रेनवे स्टेज गोस खत्म गो बे पानी पान स्रान कर सन शुर् तरह बे अत मसित बे दुबार मे ना गुलाम अहमद हजाम हजाम सब वनस ये बमार वन खतर मुश्क वल्ट यह क्या मसला यह जनाब ड्रेन गुम्बल बाजरी ड्रेन वसान अंद हे तुम से त्रा तो हक नोट फट पे रोपये कड़ जनाब ड्रेन से त्रावान ये अगर गवर्नमेंटन रोपये दि तो बाथरूम हंद क्रील बनू सा तो योर क्या जनाब मेहरबानी मेहरबानी करान अफसर थदन थदन यो कह मेहरबानी कर नो सून चार नाजरीन ये थे हमारे साथ यहाँ के लोकल ये कहते हैं क्योंकि ये जो आबी गाह है बिल्कुल बर्बादी के मुंह में इस वक्त है लेकिन आप देख सकते हैं अपने कैमरा से कि आप दिखाई जिस तरीके से ये डक आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ये भी अब उधर जाने में डरते हैं क्योंकि वहाँ से इन्हें कोई बीमारी ना मिले। नाजरीन अब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं क्योंकि फील फोर इस खरवन सर का अजाला। ट्रैफिक पुलिस डीटीआई शौकत अमीन खान रिमूव इलीगल पार्किंग नियर हॉस्पिटल रोड बस स्टैंड पहुंच। ये ड्राइव हमने जारी की हुई है जो रॉन्ग पार्किंग जो गाड़ियां हैं उनको हम उठा रहे हैं और यहां से ले जा रहे हैं जहां पे अपने ग्राउंड में डीपीएल ग्राउंड में लेके जा रहे हैं। ये रॉन्ग पार्किंग गाड़ियां बहुत सी हर जगह लगी हुई हैं, हॉस्पिटल रोड, नाखा वाली जो किले के पास, हर जगह ये गाड़ियाँ लगी हैं। हम सब हर जगह से हमने गाड़ियाँ उठाई हैं, कुछ लोग हमने अभी तक कोई 9 गाड़ियाँ उठाई हैं और 15 गाड़ियों का हमने रंग पार्किंग के चलान भी दिए। जो जहाँ जहाँ पे बंदे आ जाते हैं, जिनके मालिक ड्राइवर आ जाते हैं, उनको मौके पर भी हमने चलान दिए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये लोगों से अपील करता हूँ कि ये रॉन्ग पार्किंग जो है इसको बंद करें, खासकर हॉस्पिटल रोड के सामने तो रॉन्ग पार्किंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। रॉन्ग पार्किंग के देखिए यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं लेकिन लोगों को इतना भी समझ नहीं है कि रॉन्ग पार्किंग बोर्ड लगा है, इसको तो देखें। हम यहाँ लगा के चले जाते हैं और मेरी अपील है लोगों से कि रॉन्ग पार्किंग में कोई भी गाड़ी रॉन्ग पार्किंग मत लगाएं। यहाँ पे पार्किंग की प्लेसेस हैं, वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क करें ताकि लोगों को आने जाने में कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। और अगर इसके ऐसे अगर चलता रहा तो ये ड्राइव मैं लगातार जारी रखूँगा। मैं बार बार अपने SSP साहब से या DSP साहब से बोल के क्रैन लगातार मंगवाता रहूँगा और गाड़ियाँ उठवाता रहूँगा। और नेक्स्ट टाइम मेरा ये है कि मैं कोर्ट के चलान दिए जाएंगे, गाड़ियाँ सीज होंगी। ये आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूँ कि थोड़ा सा इस चीज़ पे देखें, गाड़ियाँ पार्किंग में लगाएं ताकि बाकी वालों को कोई परेशानी ना हो। ट्रिब्यूट पे टू शहीद औरंगजेब ऑन सेकंड डेथ एनिवर्सरी एट मेंडर। यहाँ पर बैठे हुए 39 RR के CEO साहब, उनके मैं सबसे पहले तो इनके माता पिता को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में अपना नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो इस धरती इस देश के काम आया। सबसे बड़ा धर्म क्या है? राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म जो करते हुए शहीद हुआ उससे बड़ा शहीद और उससे बड़ा आदमी कोई नहीं है। तो राष्ट्र के काम आया औरंगजेब, उसको मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने ऐसा काम किया जो पूरे इतिहास में हिंदुस्तान तो क्या दुनिया जानती है औरंगजेब का नाम। आप YouTube पे देखिए, विकिपीडिया पे देखिए, तो ऐसा काम करके गया है कि आसपास के इलाके का नाम रोशन किया। और उनके माता पिता को दोबारा मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। और बहुत बहुत
यहाँ आए हुए सभी अधिकारी को धन्यवाद। हमारे औरंगजेब के नाम को मरने नहीं देना है, उसको जिंदा रखना है। और मैं ये जितने यहाँ पे ऑफिसर मौजूद हैं उनके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, हमारे डीएसपी साहब हैं उनके माध्यम से ये चीज़ कहूँगा कि औरंगजेब के नाम पे सलानी गांव के अंदर कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि आने वाली हमारी नस्लें याद रखें कि हमारा एक नौजवान था जिसने अपने देश के लिए कुर्बानी दी थी ताकि आने वाली जो नस्लें होंगी हमारी वो भी शहीद औरंगजेब को याद करती रहे। मैं इनसे बात करूं कहूंगा कि इस बात को हमारी को ऊपर पहुंचाया जाए, खासकर गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए। औरंगजेब ने दुश्मन के साथ आखिरी सांस तक वो लड़े, दुश्मन के साथ बात करते रहे, उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। जो उन्होंने सवाल किए वो उन्होंने तुरंत जवाब दिया उनका। मैं भी सलूट करता हूं ऐसे नौजवान को और इंशाल्लाह हमें फख्र है हमारे सलानी के अंदर उससे भी 100-200 ऐसे नौजवान हैं जो अपनी देश के लिए कुर्बान हो सकते हैं। ऐसे नौजवान शहीद औरंगजेब और भी इस गांव के अंदर हैं, तो इस गांव को नजरअंदाज ना किया जाए। हर जगह कोई भी काम हो हमारे सलानी गांव को उस लिस्ट में डाला जाए। अब मैं बहुत सारे ऑपरेशंस में उसके साथ हिस्सा लिया है। मेजर रोहित शुक्ला मेरा दोस्त हुआ करता था और जितने भी पुलवामा में 44 RR के तहीं ऑपरेशन होते थे तो एज ए DSP ऑपरेशन मुझे ही जो इनपुट आते थे या इंफॉर्मेशन रिसीव होती थी। नशावर की उस वक्त मैं श्रीनगर में ही तैनात था और ये एक बहुत बड़ी घटना थी जिसको बड़े ही कायराना ढंग से जो देश विरोधी उग्रवादी या आतंकवादी थे उन्होंने दहशतगर्दों ने अंजाम दिया। जब तक औरंगजेब के हाथ में हथियार था उसके आसपास कोई नहीं पटक सका, लेकिन उन्होंने ऐसा मौका देखा कि जिस दिन वो निहत्ता था, जिस दिन उसके हाथ में हथियार नहीं था, धोखा जो उसके साथ किया गया और उनकी जान ली गई। इस वीर सिपाही का प्रमाण यही है कि इनको मिले हुए दिलेरी के जो अवार्ड है शौर्य चक्र सेना मेडल, इतने बड़े अवार्ड किसी आम सिपाही को नहीं मिलते हैं। ये धन्य है, मतलब वो जननी वो माता जिन्होंने इनको जन्म दिया, धन्य है ये गांव जिसने इतना वीर सिपाही पैदा किया और धन्य है वो माता पिता जिन्होंने एक बेटे को अपने देश के नाम निशान करने के बाद अपने दो और बेटों को फौज के अंदर भेजा। मेरा आपको नमन है, उनके पिता को, उनकी माता को, इस गांव को। कोविड-19 की बात करें तो आज डिस्ट्रिक्ट राजौरी में 49 नए केस आए पॉजिटिव और इसी के साथ 2 की हुई मृत्यु कोविड-19 की वजह से। हैवी लैंडस्लाइड ऑन मुगल रोड एट DKG रोड ब्लॉक्ड, डजन व्हीकल्स स्ट्रैंडेड एंड पैसेंजर इन ट्रबल। पैसेंजर सेड दैट ग्रिफ हैज नो मशीनरी टू क्लियर द लैंडस्लाइड फ्रॉम द रोड, रिपोर्ट बाय तारिक शॉल। थना मंडी डिस्ट्रिक्ट के पीरपंचाल एरिया के हसपलोट में एक चीते ने भेड़ बकरियों पर किया हमला, जिसमें 2 भेड़ मौका पर हुई उसकी शिकार। इस पर स्थानीय लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की देखरेख की जाए, किस तरह से कर रही है काम। आए दिन लोगों के जानवर होते हैं जंगली जानवरों के शिकार। आइए कुछ तस्वीरों के साथ ये रिपोर्ट। अच्छा, ये जो सुबह वाका हुआ है ये कब हुआ और कैसे हुआ? 7:30 बजे। तो आपने क्या तेंदुआ जो है अपनी आंख से देखा? जी जी। तो इसने आपके कितने भेड़ नुकसान किए? 2। तो अब आप जिला इंतजामिया और वाइल्ड लाइफ महकमा से क्या बवाल लगाना चाहते हैं? चाहता हूं कि अगर मेरा नुकसान हुआ किसी और का ना हो। तो क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की टीम पहुंचे? जी जी जी। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज ब्रेक।